पाठ क्रमांक 12 चांगली वागणूक। आइए बच्चों इस सबक को पढ़ते हैं और समझते हैं। गावात नवीन आलेल्या चंदू ने किराणा मालाचे छोटे से दुकान शुरू केले। गांव में नया आया हुआ एक शख्स जिसका नाम चंदू था, उसने किराना सामान की एक छोटी सी दुकान शुरू की। दुकानात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तिशी तो खूप आपुलकीने वागत असे, त्याच्या बोलण्यास गोडवा होता। दुकान पर आए हुए हर शख्स के साथ वो बड़े प्यार के साथ पेश आता, इसकी बात में मिठास होती थी। एकदा दुकान बंद करून घरी जाताना त्याच्या दुकानात एक छोटी मुलगी आली। एक मर्तबा जब वो दुकान बंद करके घर जाने लगा तो दुकान पर एक छोटी सी लड़की आई। अशी रडवेली का झाली आहेस बाळ, वो बहुत उदास रोई हुई लग रही थी। इस तरह रोनी सूरत तुम्हारी क्यों हो गई है बेटी? मला मीठ पाहिजे, बाकीच्या दुकानदारांनी दुकान बंद झाले उद्या ये असे सांगून परत पाठविले। मुझे नमक चाहिए, बाकी के दुकानदारों ने दुकान बंद हो गई है कल आना इस तरह कहकर वापस भेज दिया। एवढेच ना हे गे, मिठासारख्या छोट्या गोष्टीसाठी चंदूने दुकान पुनः उघडले, तिला मीठ दिले। चंदू ने कहा बस इतनी सी बात, उसे नमक दे दिया। चंदू ने नमक जैसी छोटी सी चीज़ के लिए दुकान दोबारा खोली और बच्ची को नमक दिया। तिने पड़त जाऊन ही गोष्ट घरी सांगितली। ही छोटी सी गोष्ट कानोकानी गावभर पसरली। बच्ची भागती हुई घर गई और सबको ये वाक्या सुनाया। ये छोटी सी बात गाँव भर में फैल गई। चंदूच्या दुकानातली गर्दी हळूहळू वाढू लागली। चंदूचा चंदूशेठ झाला। चंदू की दुकान पर दिन ब दिन ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। चंदू जो पहले सिर्फ चंदू था अब उसे चंदूशेठ कहा जाने लगा। त्याच्या दुकानाचा पसारा ही खूप वाढला, पण चंदूशेठ आज ही तो प्रसंग विसरला नाही। इसकी दुकान में सामान भी अब ज़्यादा रहने लगा, लेकिन आज भी चंदू की जो आदत थी वही है। वो लोगों से आज भी मिठास से बात करता और उनके साथ अच्छी तरह पेश आता था। इस तरह बच्चों हमें भी हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए और अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए।